हेलो फ्रेंड्स मैं हूं राकेश सर आप देख रहे हैं नर्सेज अब यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड्स आज अपन बात कर रहे हैं KMC, के एम सी कंगारू मदर केयर के एम सी क्यूज़ के बारे में अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो लिंक का वीडियो को डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगी या फिर चैनल के ऊपर आप जाके देख सकते हैं तो फ्रेंड्स इसके अंदर भी अपन एम सी क्यूज़ के बारे में बात करेंगे आपको वही आप खुद का इवालएसन करना है क्योंकि के एम सी बिल्कुल सिंपल टॉपिक है फिर भी इसके एम आपको देखने हैं और उसको अपने आप को इवालेट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं राइट क्वेश्चन जितने होते हैं आपको कमेंट करके बताना है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि नेक्स्ट पार्ट जैसे भी आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए क्वेश्चन नंबर वन है कंगारू मदर केयर इज़ ए वे ऑफ प्रोटेक्टिंग द बेबी फ्रॉम कंगारू मदर केयर है वो बच्चे को किसी से प्रोटेक्ट करती है ए हाइपोग्लाइसीमिया बी हाइपरग्लाइसीमिया सी हाइपरथर्मिया एंड डी हाइपोथर्मिया राइट आंसर इज ऑप्शन डी हाइपोथर्मिया नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू कंपोनेंट ऑफ के एमसी इंक्लूड केएमसी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है वो अपन इंक्लूड करते हैं क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन ए है स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट बी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग सी थर्मो रेगुलेशन एंड डी बोथ ए एंड बी राइट आंसर इज ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज द कंपोनेंट ऑफ के एम सी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री ड्यूरिंग के एम सी बेबी शुड बी प्लेस्ड इन पोजिशन के एम सी के दौरान जो बेबी होगा उसको कौन सी पोजिशन के अंदर अपन प्लेस करेंगे ए फ्रॉग लाइक पोजिशन बी कंगारू लाइक पोजिशन सी बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दी अबो राइट आंसर इज ऑप्शन ए बेबी को फ्रॉग लाइक पोजिशन है उसके अंदर प्लेस करेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर वेन मदर इज नॉट अवेलेबल वू कैन प्रोवाइड के एम सी अगर मदर अवेलेबल नहीं है तो अब बच्चे को के की नीड है तो कौन कौन उसको के है वो प्रोवाइड कर सकता है ए फादर बी ग्रांड मदर सी अदर रिलेटिवस एंड डी ऑल ऑफ दी अबाव तो अगर मदर अवेलेबल नहीं है तो इनमें से ऑल ऑफ दी अबो कोई भी है वो के है वो प्रोवाइड करवा सकता है बेबी को फादर भी ग्रांड मदर भी और अदर जो रिलेटिव हैं वो भी के है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर फाइव एट होम दी मदर कैन स्लीप विद बेबी इन विच पोजिशन ड्यूरिंग के एम सी घर पे माँ है वो कौन सी पोजिशन के अंदर सोएगी बच्चे को के एम सी देने के दौरान ए रीसाइकिलिंग बी प्रॉन सी फावलर एंड डी सुपाइन अगर मदर की बात करते हैं तो राइट आंसर जाता है सुपाइन पोजिशन और बेबी की बात करते हैं तो उसमें चला जाएगा प्रोन पोजिशन अगर मदर सुपाइन रहेगी तो बेबी प्रोन पोजिशन के अंदर रहेगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स स्टैंडर्ड क्राइटेरिया ऑफ द यूनिट फॉर ट्रांसफरिंग बेबी फ्रॉम द नर्सरी टू द पोस्ट नेटल वार्ड शुड बी स्टैंडर्ड क्राइटेरिया क्या रहेगा बच्चे को ट्रांसफर करने के लिए नर्सरी टू पोस्ट नेटल वार्ड के अंदर ए स्टेबल बेबी बी गेनिंग वेट सी मदर कॉन्फिडेंट टू लुक आफ्टर द बेबी एंड डी आर दबो इसमें जो माँ है वो कॉन्फिडेंट रहेगी राइट आंसर इज ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन के एम सी कैन बी प्रोवाइडेड इन फॉलोइंग सीनेरियो एक्सेप्ट वैन ए बेबी ऑन ऑजिट्यूब बी बेबी रिसिविंग आईवी फ्रूड सी बेबी इज ऑन वेंटिलेटर एंड ई बेबी रिसीविंग फ्री फ्लो ऑक्सीजन केएमसी प्रोवाइडेड करने के दौरान कौन सा सिनेरियो इनमें से नहीं रहेगा ए जो है जो बेबी ऑन ओ जी ट्यूब ओ जी ट्यूब और एन जी ट्यूब दोनों एक ही होती हैं बी है बेबी रिसीविंग आई वी फ्लूड अगर आई वी फ्लूड अगर बेबी को जा रहा है तो उस टाइम पे भी अपन जो के है वो दे सकते हैं ओ जी ट्यूब के टाइम पे भी अपन दे सकते हैं और जो बेबी है अगर फ्री फ्लो ऑक्सीजन ले रहा है तो उस टाइम पे भी अपन बेबी को के है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं लेकिन जो वेंटिलेटर पे अगर बेबी है तो उसको अपन के प्रोवाइड नहीं करवा सकते तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसके अंदर क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्ट दिया हुआ था नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट मदर शुड प्रैक्टिस के एम सी एट लीस्ट फोर इन वन सिटिंग माँ अगर सिटिंग की पोजिशन के अंदर है तो कंटिन्यू कितने टाइम तक है वो के एम सी दे सकती है तो मैक्सिमम है ए वन आवर बी हाफ एन आवर सी टू आवर एंड डी फाइव आवर राइट आंसर हो जाएगा इसमें वन आवर मैक्सिमम जो टाइम है वो सिटिंग पोजिशन में वन आवर तक मदर है वो के एम सी प्रोवाइड करवा सकती है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन बेनिफिट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग टू मदर इंक्लूड ए हेल्प इन इन्वॉल्यूजन ऑफ यूट्रस, बी डिलेड प्रेगनेंसी सी डिक्रीजेज मदर वर्कलोड एंड डी ऑल दी अबो तो बेनिफिट क्या रहेगा ब्रेस्ट फीडिंग का मदर को तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेन कंगारू केयर इज़ यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कंगारू केयर है वो किसके ट्रीटमेंट के अंदर यूजफुल होता है ए सीजर बी हाइपोथर्मिया सी एन्यूरेसिस एंड डी एब्डोमिनल पेन तो कंगारू केयर है वो जो मेनली है हाइपोथर्मिया है उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है राइट आंसर इज ऑप्शन बी थैंक यू फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपका कितना स्कोर रहा कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें थैंक यू